हेलो स्पाइरेंस, चलिए आज का शो चालू करते हैं। डीएनए आज का फर्स्ट न्यूज है होप इनिशिएटिव। चलिए, रिसेंट में होप इनिशिएटिव नाम की कोई चीज चालू की गई है। इनिशिएटिव, ये होप इनिशिएटिव मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च किया है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि होप इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया है। पंजाब ने लॉन्च किया है। होप इनिशिएटिव क्या होता है, रीसेंट में आपको पहले इसके ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी भी बन चुकी है, उड़ता पंजाब। आई थिंक यहां पर कुछ लोगों ने इसके बारे में तो जानते होंगे। उड़ता पंजाब किस चीज के लिए बनाई गई, ड्रग्स के लिए। पंजाब में ना ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हैवी लेवल पे ड्रग्स बेचे जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक होप इनिशिएटिव की शुरुआत की है ड्रग फ्री बनाने के लिए। पंजाब का मोटिव क्या है, ड्रग फ्री पंजाब होने बनाना है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। पंजाब से रिलेटेड मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा जो कॉमन होता है किसी भी एग्जाम के लिए। इसका निकनेम है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। अभी इनके पंजाब के अभी जो सीएम है भगवंत सिंह मान, भगवंत सिंह मान ये यहां के कौन है, सीएम है। चलो दूसरी चीज देख लेते हैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं गवर्नर कौन है। बनवारी लाल पुरोहित। देखो एक बात बताते, बहुत सारी एग्जाम में ना सिर्फ सीएम और गवर्नर से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी ही है कि यहां के सीएम भूलिएगा मत, इसे रिसेंट में ही अपॉइंट किया गया, इवन गवर्नर भी। तो बनवारी लाल पुरोहित के बारे में एक तथ्य बताना चाहूंगा कि ये नागपुर से बिलोंग करते हैं, जहां से नितिन गडकरी भी है, वहां से बिलोंग करते हैं, नागपुर, इनका घर नागपुर में है। चलिए बात आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सफारी पार्क रिसेंट में स्टेब्लिश किया गया था हरियाणा में। अब मैंने हरियाणा क्यों है, पंजाब का पड़ोसी राज्य है, तो आपको ये याद रखना है। सफारी पार्क मैं बताना चाहूंगा यहाँ सफारी क्या होता है। आपने जंगल सफारी सुना है, कई बार आप बड़े बड़े जंगल घूमना चाहते हैं, वहां पर एनिमल्स देखना चाहते हैं, तो उसे सफारी कहा जाता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्टेब्लिश किया गया है, हरियाणा। रिसेंट की ही एक न्यूज थी कि इंडिया का एकलौता फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट पूछा जाएगा या इंडिया का वन एंड ओनली नाइट सफारी पार्क यूपी में स्टेब्लिश किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। सफारी पार्क से रिलेटेड मैंने अभी दो तथ्य आपको बता दिए हैं। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के बारे में हम अभी डेली कोई ना कोई स्टैच्यू डिस्कस करते हैं, रिसेंट में याद रखिएगा, ये भी रिसेंट की न्यूज है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ये पता है वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है लॉर्ड शिवा की, शंकर भगवान की, लॉर्ड शिवा की, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंची प्रतिमा। ये टोटल 369 फीट की है, और ये कहां पर बनाई गई है, राजस्थान। आपको इतना याद रखना चाहिए। फर्स्ट न्यूज हमने बहुत ज्यादा आजू बाजू की चीजें भी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलिए आज हम बढ़ते हैं। आज की सेकंड न्यूज क्या है, इडक्कल केव्स। अभी रिसेंट में न्यूज में चल रही है इडक्कल केव्स। यहां पर जिसे नहीं पता होगा, केव का मतलब होता है गुफा, गुफा। इडक्कल केव अभी रिसेंट में न्यूज में चल रही है। कोई भी सिटी, कोई भी प्लेस या कोई भी आपको लोकेशन अगर न्यूज में चलता है ना, तो आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है, क्वेश्चन यही पूछेगा कि इडक्कल केव्स जो कि न्यूज में चल रही थी, ये कहां पर स्थित है, केरला। आपको केवल यही याद रखना है। अब न्यूज में क्यों चल रही है, इडक्कल केव्स के ऊपर अभी 2.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं केरला गवर्नमेंट द्वारा। वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, टूरिस्ट को वो ज्यादा से ज्यादा और बढ़ाना चाहते हैं, तो यहां पर उसकी बेसिक एमिनिटीज को वहां पर बढ़ाया जा रहा है। टूरिस्ट के लिए वहां पर रहने के लिए बहुत सारी सुविधा की जा रही है, लेक्स बनाए जा रहे हैं, कैनोइंग फैसिलिटीज अवॉइड स्टार्ट की जा रही है। यहां पर केनू, सबको पता है क्या होता है, CANOE, केनू का मतलब होता है पैडल बोट्स, ये आपने देखा होगा, पैडल मारते हैं बोट पे बैठ के। तो ये सारी फैसिलिटीज वहां छोटी छोटी केव के आसपास क्रिएट की जा रही है, क्या बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करने के लिए टूरिस्ट को 2.9 करोड़, ठीक है, लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं केव्स के बारे में, जिसे गुफा कहा जाता है। तो मैंने इस साल आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में बताया था। चलो थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूं। मान लेता हूं कि यहां कुछ लोगों को अभी भी यूनेस्को के बारे में नहीं पता होगा, तो यूनेस्को साइट, ठीक है,
इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को साइट्स है। कितनी साइट्स है टोटल? 42। 41st इंडिया की जो यूनेस्को साइट थी वो थी शांति निकेतन, और सबसे लेटेस्ट होयसाला टेंपल, ये आपको याद रखना है। होयसाला टेंपल कहाँ है? कर्नाटक। फिलहाल क्वेश्चन, जब भी यूनेस्को साइट इंडिया में आसपास जोड़ा जाता है तो आप याद रखिएगा, ये तो आपकी हो गई करंट की न्यूज, लेकिन आप लोगों को मैंने हमेशा कहा है आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, करंट टू कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल का मतलब क्या है, आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार ये पूछ लिया जाए कि इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को साइट बताइए, तो आप याद रखिएगा अभी केव की न्यूज पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको कनेक्ट किया हूं यूनेस्को को। इंडिया की फर्स्ट साइट थी अजंता केव्स, अजंता केव्स याद रखिएगा। वैसे तो चार साइट्स एक साथ इंक्लूड की गई थी, एक था ताजमहल, एक था आगरा फोर्ट, एक था अजंता केव्स और एक था एलोरा केव्स। तो याद रखिएगा ये चारों चीज 1983 में इंक्लूड की गई थी, ये चारों फर्स्ट ही है। एक हो गया अजंता, एलोरा, ताज महल और आगरा फोर्ट, तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको इस साल आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत का फर्स्ट यूनेस्को साइट बताइए, चार में से अगर कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा, चार के चारों सही है। अगर मान लेते हैं तीन ऑप्शन दिया है, ए बी सी तीनों डाल दिया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इतना याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अजंता केव्स और एलोरा केव्स के थोड़े फैक्ट्स के बारे में। ये इंडिया के फर्स्ट केव्स थे जिन्हें यूनेस्को साइट में डाला गया था। कब डाला गया था? 1983 में, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं ये दोनों केव्स के बारे में, अजंता केव्स और एलोरा केव्स। दोनों औरंगाबाद में ही है। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? छत्रपति संभाजीनगर। आपको ये याद रखना है अजंता टोटल 29 ग्रुप ऑफ केव्स का एक ग्रुप ऑफ केव्स है, ठीक है। इसमें अजंता केव्स में टोटल कितने गुफा आ जाती है? 29। एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो अजंता केव्स है ये किस भगवान या किस कम्युनिटी को डेडिकेट की गई है? तो बुद्धिस्ट। तो याद रखना ये बुद्धिस्ट केव्स या बुद्धिज्म को ये डेडिकेट की गई है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एलोरा केव्स किस कम्युनिटी को डेडिकेट किया गया, अच्छा एक और चीज, अजंता केव्स टोटल कितना है? 29। एलोरा केव्स टोटल 100 है, 100 से भी ज्यादा, लगभग आप हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली देयर आर 100 ग्रुप्स ऑफ एलोरा केव्स। अब इस 100 गुफाओं में हमारे लिए पब्लिकली जो ओपन किया गया है केवल 34 गुफाएं हमारे लिए ओपन की गई है। बहुत मिस्टीरियस केव है ये, बाकी रिमेनिंग 66 केव्स अभी भी बंद है। इन 34 गुफाओं में 5 गुफाएं जैनिज्म के लिए, किसको डेडिकेट किया गया है? जैनिज्म। और रिमेनिंग जो 29 गुफा है वो डेडिकेट की गई है बुद्धिज्म को। तो आपको इतना फैक्ट याद रखना है सेकंड न्यूज से रिलेटेड। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूं ये सारे फैक्ट्स को लेके। चलिए आज की थर्ड न्यूज की ओर बढ़ते हैं। आज की थर्ड न्यूज क्या होगी? अभी रिसेंट में एबा बिल ये जो मिसाइल है, आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस साल एबा बिल मिसाइल न्यूज में था, ये एबा बिल मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट किया है किस देश ने? तो आंसर होगा आपका पाकिस्तान, आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। इतनी सी न्यूज है। अब मिसाइल से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूं। भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सीवन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए रॉकेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, चलिए आज एक नया तथ्य बताऊंगा। किम जोंग, नाम सुना है ना, इन्हें रॉकेट मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और ये जो उनको निकनेम दिया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने, ये निकनेम उन्हें दिया था, ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैंने ये भी बताया था इंडिया का फर्स्ट जो रॉकेट था वो 1963-64 में लॉन्च किया गया था, RH-75। भारत का पहले रॉकेट का नाम क्या था? ऑप्शन में, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था क्या था? RH-100। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा। अगर दोनों आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है तो आंसर आपका ये होगा, लेकिन अगर RH-75 नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा RH-100, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आरिफ अलवी, आपको ये याद रखना है पाकिस्तान वाला, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? आरिफ अलवी।
और यहाँ के पीएम है मिस्टर अनवर, मेरे को अभी आधा नाम याद है, फिलहाल इतना चल जाएगा, मिस्टर अनवर। पाकिस्तान के बारे में आपको इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। अब स्पेस से रिलेटेड मिसाइल मतलब हमारे लिए अब एक और चीज याद रखना, हाँ ये एबाबिल जो मिसाइल है ये मीडियम रेंज मिसाइल है, मीडियम रेंज मिसाइल है, बलास्टिक मिसाइल है, कौन सा टाइप है, बलास्टिक मिसाइल, और ये सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आपको इतनी चीजें इस मिसाइल के बारे में याद रखना है, ये फैक्ट्स लिखिएगा। सरफेस टू सरफेस मतलब क्या है, अगर लैंड से वो अटैक किया जा रहा है तो लैंड पे ही गिरेगी। अलग अलग टाइप की मिसाइल होती है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, तीन टाइप नॉर्मली हमको मिसाइल्स में देखा जाता है। अब उसमें भी बलास्टिक मिसाइल एक होता है, क्रूज मिसाइल एक होता है, अलग अलग तरह की ऐसी भी मिसाइल होती है। अब बलास्टिक मिसाइल किसे कहा जाता है, मान लीजिए ये है हमारा एक टैंकर, ये यहां से हमारे मिसाइल लॉन्चर, हमारा एक पैड है, ये मिसाइल लॉन्चिंग पैड है हमारा, और ये है पाकिस्तान। इंडिया ने यहां से किसी मिसाइल को छोड़ा है, अब वो ऐसे मिसाइल जाएगा और यहां पर क्या जाएगा, अटैक करेगा, इसे कहा जाता है बलास्टिक मिसाइल। इसे क्या कहा जाता है बेटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक होता है क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल क्या करता है, अगर हमने कहीं पे भी लॉन्च किया, आपने नोटिस किया ये कर्व बना रहा है, ये जो कर्व बना रहा है इसे ही बलास्टिक मिसाइल कहा जाता है। अगर ये कर्व ना बनाए, ये फ्लैट सर्फेस ऐसा जाएगा, इसे कहा जाएगा क्रूज मिसाइल। क्रूज यानी शिप होता है, वो ऐसे ही चलता है पानी में, तो उसे कहा जाता है क्रूज मिसाइल। और कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि क्रूज मिसाइल थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है, कई बार क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया तो उसको वो फॉलो भी करते हैं। ये चीज पता है, बहुत सारी मूवीज देखी होगी जिसमें मिसाइल या सारी चीजें एक दूसरे को फॉलो किया जाता है। तो आपको इतना फैक्ट आपको मिसाइल से रिलेटेड याद रखना है। स्पेस से रिलेटेड एक और चीज बताना चाहूंगा, इस बार आपकी एग्जाम का मैं लिख के दे सकता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पता है क्या होने वाली है, कि स्पेस नेशनल स्पेस डे इंडिया कब मनाया, सेलिब्रेट करता है। मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, 23rd August, आपको ये भूलना नहीं है, 23rd August। अगर आपको डेज के ऊपर इस बार क्वेश्चन आएगा ना, तो वो यही आएगा, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली हमने लैंड किया, कहां पर, मून पर, मून के साउथ पोल पे। कब लैंड किया था, 23 अगस्त। तो यही कारण है हर साल इंडिया अब से 23 अगस्त को क्या करेगा, स्पेस डे सेलिब्रेट करेगा। स्पेस वीक, लास्ट टाइम मुझसे एक गलती हुई थी, उसको मैं सुधारना चाहूंगा, ये चीज चेंज कर लीजिए, लास्ट टाइम वही मैं बता रहा हूं। आपको ये याद रखना है कि 4th October से 10th October है, 4th October टू 10th October, ये है स्पेस वीक, सब लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेस वीक हम मनाते हैं 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। स्पेस डे हमारा नेशनल है 23rd October। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम भी अभी बढ़ जाते हैं। फिलहाल लिम्फेटिक फिलेरियसिस, लिम्फेटिक, ये आपकी बायोलॉजी की न्यूज हो गई, लिम्फेटिक फिलेरियसिस, अब याद रखिएगा, ये एक बीमारी है हमारे शरीर के अंदर, लगभग 800 यानी कि 800 लिम्फेटिक, ये अप्रोक्स डेटा है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन है, कि हमारे बॉडी के अंदर लगभग 800 लिम्फेटिक नॉड्स होते हैं। अब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि लिम्फेटिक नॉड क्या होता है, कैसे होता है, अभी याद रखिएगा। लेकिन जब भी ये बीमारी होती है तो इसके सिम्टम्स क्या है, आपके हैंड्स और जो लेग्स है उसमें स्वेलिंग्स आना चालू हो जाएगी, आपके हाथ में ड्राइनेस होगा, आपके हाथ बहुत ज्यादा कड़क हो जाएंगे, ये इसके कुछ सिम्टम्स है। जब भी लिम्फेटिक फिलेरियसिस अगर किसी को होता है, जब ये याद रखिएगा कि ये लिम्फेटिक नॉड्स में होता है। लिम्फेटिक नॉड्स बॉडी के हर ऑलमोस्ट हर पार्ट में है, एक दो पार्ट छोड़ दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने गर्दन होता है, वहां पे भी आपकी लिम्फेटिक नॉड्स प्रेजेंट है, आपके बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हम न्यूज क्या देख रहे हैं, ये बीमारी को अभी लिम्फेटिक फिलेरियसिस फ्री कंट्री अभी रिसेंट में डिक्लेयर किया गया है, इसे लाओस, हमने थोड़े दिन पहले, ये आपको याद रखना है, लाओस को अभी लिम्फेटिक फिलेरियसिस फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि अभी लाओस के देश में इस बीमारी से पीड़ित एक भी व्यक्ति अभी नहीं है, पूरे के पूरे लोग इस बीमारी मुक्त हो चुका है अभी लाओस। अब बात करते हैं लाओस देश के बारे में, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। लाओस के सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है, MTB, ये याद रखिएगा। MTB के अलावा एक और चीज है, MTB हो चुका है, कंबोडिया 4th कंट्री, कंबोडिया याद रखना, ये लैंडलॉक कंट्री है, इसके सराउंडिंग कितनी कंट्रीज है, 4। एम स्टैंड्स फॉर म्यांमार, टी यानी थाईलैंड, वी यानी वियतनाम, आपको ये चार की चारों कंट्रीज याद रखनी है।
अब फिलहाल बात कर लेते हैं लाओस की, न्यूज में चल रहा है, इसकी करेंसी क्या है? की आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं, थोड़ी सी यूनिक करेंसी है इसका नाम, बाकी अपने डॉलर है ना वो यूरोज वगैरह सुना होगा, लेकिन ये की थोड़ी सी डिफरेंट है। कंबोडिया की करेंसी के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रियाल, ये आपको याद रखना है, कंबोडिया के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा था। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं रिसेंट में इंडिया को बर्ड फ्लू फ्री डिक्लेयर किया गया, तभी मैंने बताया था ये 2023 की ही न्यूज है। हमने बीमारी आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड इस बार दो बीमारी का डिस्कशन करंट अफेयर में किया है, भारत को बर्ड फ्लू फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया 2023 में, और लाओस को क्या डिक्लेयर किया गया, लिम्फेटिक फिलेरियासिस फ्री कंट्री। अब एक और चीज याद रखना, लिम्फेटिक के ऊपर सॉरी लाओस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका निकनेम क्या है, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, भूलिएगा मत, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, ये आप अच्छे से लिख लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मंगोलिया को लैंड ऑफ ब्लू स्काई कहा जाता है, कुछ निकनेम्स बता रहा हूं, मंगोलिया को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ ब्लू स्काई, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा थाईलैंड हमने डिस्कस किया, थाईलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ स्माइल्स। अब ये बॉयज लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि थाईलैंड में विजिट करने से स्माइल तो बहुत आने वाली है, खुशी सबको होगी, अरे भाई विदेश जा रहे हो, खुशी होगी या नहीं होगी। चलो फिलहाल अब ये याद रखिएगा, लैंड ऑफ स्माइल्स किसे कहा जाता है, थाईलैंड। और वियतनाम की करेंसी के ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, डोंग। तो आपको ये कुछ चीजें भूलनी नहीं है, मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आपको आसपास के बता दिए। एक और फैक्ट बताया था, इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था, 2013 में। इंडिया को टीबी फ्री कब तक हो जाएगा, 2025 तक हम टीबी मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, टीबी मुक्त, आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज है ऑपरेशन चक्र 2, जिसे परफॉर्म किया गया है सीबीआई द्वारा। सीबीआई को एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1963। भारत में सीबीआई होनी चाहिए, सीबीआई सबका फुल फॉर्म पता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, संथाल कमेटी, मैं बता रहा हूं ये हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, संथाल कमेटी, आपको ये याद रखना है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो आपको यह पूछा जा सकता है कि उसकी सिफारिश किस कमेटी ने की थी, तो संथाल कमेटी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब एस्टेब्लिश हुआ, 1963। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन चक्र 2, ऑपरेशन चक्र 1 भी तो हुआ होगा कभी, ऑपरेशन चक्र 1 ये हुआ था 2022 में, और अभी 2023 चल रहा है ऑपरेशन चक्र 2। अब आपको पूछना चाहिए, सर ये ऑपरेशन चक्र 2 है क्या, साइबर अटैक होता है कई बार आपको एक फ्लैश लिंक आती है कि हाँ यहां पर लिंक करें अपनी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन फील करना है तो आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, अलग अलग फॉल्स इंफॉर्मेशन होता है, इसको फिशिंग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आप वो लिंक में क्लिक करते हैं, वो लिंक कहीं और खुलती है और आपका हो सकता है पूरा का पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाए, तो याद रखिएगा। तो ये साइबर अटैक को कम करने के लिए सीबीआई ने अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन चक्र 2। रिसेंट में हम और भी चीजें देख लेते हैं, अभी आज हम सीबीआई की बात कर रहे हैं जो कि हमारी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो आपको यह भी पता होगा आईबी जिसकी स्थापना हुई थी 1887 में, हेडक्वार्टर कहां है, दिल्ली में, इंटेलिजेंस ब्यूरो, याद रखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो को जब स्थापना की गई थी ना तो उसका मेन मोटिव क्या था, ऑपरेशंस परफॉर्म करना। दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू में, और एक होता है फॉरेन ऑपरेशंस। जब आईबी की स्थापना की गई थी तब उसको दो कार्य दिए गए थे कि अगर हमारे भारत के अंदर में कोई भी अटैक होता है, बॉम्ब अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगर हमारा कोई भारतीय व्यक्ति देश के बाहर अगर उसकी डेथ हो जाती है, कोई उसको ठोक के चला जाता है, उनका शूट आउट में अगर वो मारा जाता है, तो याद रखिएगा वो भी पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसको दिया गया था कार्यभार, इंटेलिजेंस ब्यूरो। बट रिसेंट में याद रखिएगा, आपको आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ना आईबी और रॉ के ऊपर अगर कोई कभी पूछे कि भाई आईबी और रॉ में फर्क क्या है, मैं लिख के दे सकता हूं, यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा और यहां पर बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप बोलोगे सर दोनों की दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज है, फर्क क्या है, फर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। जब मैंने अभी कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की गई थी उसको कितने केसेस दिए गए थे, दो, डोमेस्टिक केस और फॉरेन केसेस।
रॉ की स्थापना हुई 1968 में, ये एकदम लेटेस्ट एजेंसी है। और याद रखना जैसे इसकी स्थापना हुई, ये जो इसका कार्यभार था फॉरेन वाला, अब ये किसको दे दिया गया है? रॉ को। तो बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई भी कांड या कोई भी मसेकर इंडिया में होता है तो उसकी जांच करेगी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और अगर इंडिया के बाहर होता है उसको डायरेक्ट दिया गया रॉ। लेकिन अभी रॉ अकेला नहीं है, फॉरेन में अगर हमको एक और चीज याद रखिएगा, एनआईए, नाम सुना है ना, ये एजेंसी भी फॉरेन में सारे केसेस हैंडल करती है। तो रॉ और एनआईए, इंडिया में दो एजेंसीज है जिसे ये पावर दी गई है कि आप इंडिया के बाहर जाके सारी चीजें कर सकते हो। एक चीज ना मैं बहुत बड़ी वाली पाकिस्तान की जब न्यूज देख रहे थे छूट गई थी, ग्वादर पोर्ट हमेशा ना न्यूज में चल रहा है, ग्वादर पोर्ट, आपको पोर्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बस ये याद रख लीजिए कि ये ग्वादर पोर्ट कहां है, पाकिस्तान में, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। और ग्वादर पोर्ट से रिलेटेड थोड़े दिन पहले की ही न्यूज है, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी स्थापना की गई थी। अब ये सीपैक क्या है वो भी बता देता हूं, याद रखिएगा इसको काइगर ऐसे लिखो, ये तो कार हो गई लेकिन वो सीआईजी यार, काइगर जो भी न्यू स्पेलिंग होगी, काइगर प्रोविंस, यानी ये काइगर नाम का एक राज्य है जो चाइना में है, चाइना से लेके पाकिस्तान तक एक रोड निर्माण किया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो किसको कनेक्ट करेगा, चाइना के किस राज्य को, काइगर को, किससे कनेक्ट करेगा, ग्वादर पोर्ट से। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, ये बहुत बड़ी न्यूज थी पाकिस्तान की, भले ही पुरानी हो गई है लेकिन जब भी पाकिस्तान न्यूज में चलता है तो आपको देखिएगा एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल पुरानी न्यूज पूछ ली जाती है। तो पाकिस्तान से आपको ये एक फैक्ट याद रखना है। आज मैंने रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है अभी फिलहाल जो चल रही है। बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023, वो आंसर है आपका धोरडो, धोरडो विलेज जो कि कहां पर है, गुजरात, इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया गया है 2023 का। पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गांव डिक्लेयर किया जा चुका है, अगर आपको घूमना है तो आपको कहां जाना चाहिए, धोरडो विलेज जो कि कहां पर है, गुजरात में। अब ये कौन है भाई, कौन सी एजेंसी है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन गांव है घूमने के लिए? आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी स्थापना हुई थी 1946, हेडक्वार्टर कहां है, स्पेन में, स्पेन का कैपिटल क्या है, मैड्रिड। तो आपको ये कुछ तथ्य याद रखने हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के। अब टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो टूरिस्ट डे, नेशनल टूरिस्ट अगर डे की बात की जाए तो 25 जनवरी, और अगर आपको पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड टूरिस्ट डे कब होता है तो 27 सितंबर। आपको टूरिस्ट से रिलेटेड ये फैक्ट्स भी याद रखने हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा बहुत आसानी से, लाइफ टाइम आप एक चीज नहीं भूलेंगे, ये जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये कोई नहीं भूल सकता। अब एक बात बताइए, आप लोगों को मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा पसंद होता है, बच्चे लोगों, एक बॉलीवुड की मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखे हो? देखो एक बात बता रहा हूं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक सीन आता है, सारे एक्टर्स लोग, सांड की लड़ाई होती है और वो दौड़ रहे होते हैं, तो वो घूमने के लिए स्पेन के मैड्रिड में ही जाते हैं, और स्पेन का नेशनल गेम सब लोग याद रखेंगे बुल फाइट, ये भूलिएगा, क्या कहा जाता है, बुल फाइट, ये क्या है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आपको इतनी चीजें टूरिज्म से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं आज की क्या है। अच्छा फिलहाल इंडिया का फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है कोटा। इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी, उदयपुर, ठीक है, और वर्ल्ड की फर्स्ट सिटी ट्रैफिक लाइट फ्री, थिम्पू, ठीक है, थिम्पू है, वेरी गुड, ऐसे ही चलते रहिए, सारी चीज अच्छी होगी। चलो अभी फिलहाल नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं आज का। इंडिया का सबसे टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग रिसेंटली होस्ट किया गया, अटारी बागा बॉर्डर, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग, ओके, ये होस्ट किया गया है बागा बॉर्डर पे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इसका याद रखिएगा, इसका टोटल ये 418 फीट लंबा है। इसके पहले पता है रिकॉर्ड क्या था जैसलमेर के पास, वो भी लगभग 360 मीटर के फीट के आसपास था, 300 प्लस फीट का था, अभी 418 फीट का, इंडिया का सबसे ऊंचा, जो यहां पर क्या है, टॉलेस्ट, सबसे बड़ा
नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट किया गया अटारी बाघा बॉर्डर पर। अच्छा हाँ, फ्लैग, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, अभी इंडिया का याद रखिएगा जो हम झंडा होस्ट करते हैं, ये सिक्स्थ फ्लैग है। इंडिया का कौन से नंबर का फ्लैग है? सिक्स नंबर का फ्लैग है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, फर्स्ट नेशनल फ्लैग किसने बनाया था? बंगाली वेंकैया, बंगाली वेंकैया। अब मैं एक और कॉमन क्वेश्चन बताना चाहूंगा, मैंने हमेशा कहा है मैं जो प्रश्न बताऊं वो लिखते हुए चलिए, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैडम कामा ये भारत की फर्स्ट महिला है जिसने अपने राष्ट्रीय झंडे को यानी नेशनल फ्लैग को आउट ऑफ इंडिया जाके फैलाया था, कहां पर? जर्मनी। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ये बहुत कॉमन फैक्ट होता है जो मैडम कामा के ऊपर पूछा जाता है। मैडम कामा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत की पहली महिला है जिसने अपना नेशनल फ्लैग होस्ट किया था आउट ऑफ इंडिया, कहां पर होस्ट किया था? जर्मनी। जर्मनी में कहां, उसका कैपिटल क्या है? बर्लिन। तो आपको ये याद रखना है, नेशनल फ्लैग के ऊपर मैंने बता दिया। और मैंने पहले ही बताया था कि हमारे नेशनल फ्लैग में क्या होता था पहले, चरखा, जो भी होगा मेरा थोड़ा ड्रॉइंग ऐसा आता है, बाकी चरखा हमारे नेशनल फ्लैग में आपको पहले दिखाया जाता था। अभी हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में क्या होता है? अशोक चक्र, जिसमें कितने स्पोक्स होते हैं? 24। तो ये याद रखिएगा, ये किसका वर्क था, किसने सबसे ज्यादा इसके लिए वर्क किया था कि हमारे भारत में चरखा नहीं होना चाहिए? बाबा साहेब अंबेडकर, ये आपको याद रखना है। वेरी गुड, बाबा साहेब अंबेडकर। चलो ठीक है, फ्लैग के बारे में इतना मोर देन इनफ हो जाएगा। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर हम चलते हैं। आज की नेक्स्ट न्यूज क्या है? हेनले पासपोर्ट। मैंने हमेशा कहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, फिर से इंडिया की पोजीशन चेंज हो गई है। इंडिया इज ऑन 80 हमेशा, लेकिन इंडिया 80s में ही होता है, तुक्का मारना है कभी भी। पिछले चार सालों से मैंने कभी नहीं देखा इंडिया की पोजीशन ना 80 से 85 के बीच में ही, 80, 81, 82, 84, 85, 84, 84, 84, 85 यही चलता है। और ये हमारी पिछले चार सालों में सबसे इंप्रूव्ड स्टेज है। इस बार एक और डेटा चेंज हुआ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किसने मारा है? हर साल जापान रहता था, अब सिंगापुर हो चुका है। सिंगापुर, तो आपको ये भी नहीं भूलना है। अब मैं आपको, यहां पर कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। पासपोर्ट इंडेक्स ये एक सूचकांक है जो किसी भी देश को, अगर हम इंडिया के हैं, इंडिया की भी पोजीशन क्या है? 80। इसका मतलब सीधा है कि हमारे इंडिया का जो वीजा है ना, ये जो पासपोर्ट है, ये पावरफुल नहीं है, बहुत वीक है। जो नंबर वन पे होगा, अभी नंबर वन पे कौन है? सिंगापुर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बेस्ट पासपोर्ट है सिंगापुर का। अगर आप सिंगापुर के सिटीजन हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्री घूमने का, अभी इंडिया को पता है ना 60 प्लस कंट्री है जहां पर हमको वीजा फ्री एंट्री मिलती है। कितने देश है ऐसे? 60 देश है जहां पर हम बिना वीजा के जा सकते हैं। तो सिंगापुर के पास मैं लिख के दे सकता हूं, अभी मेरे को एक्चुअल डेटा तो नहीं पता, बट मैं लिख के दे सकता हूं कि 100 से ज्यादा, 120 से ज्यादा देश होंगे जहां अगर आप सिंगापुर के सिटीजन हो तो आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जापान को अमेरिका में जाने के लिए वीजा लगता ही नहीं है। तो अगर किसी भी कंट्री का वीजा स्ट्रांग है, ज्यादा से ज्यादा आप वीजा फ्री एंट्री ले सकते हो, तो वो पासपोर्ट इंडेक्स में क्या होगा? नंबर वन पे रहेगा। आई होप मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूं इस चीज को लेके। बाकी इंडेक्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 40। जिसको याद नहीं होगा वो दोबारा लिख लेंगे। हमने अभी जेंडर गैप इंडेक्स की बात की थी, उसमें 127 रैंक है। हैप्पीनेस इंडेक्स और पीस, दोनों में 126। इसके अलावा टेररिज्म, ये आज नया है, मैंने बहुत दिन से आज सोच रहा था, ये चीजें तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, सबको रट्टा याद हो गई होगी, आज एक नया इंडेक्स लाया टेररिज्म इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 13th, 13वें रैंक पे है इंडिया टेररिज्म, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा, टेररिज्म में नंबर वन होना अच्छी बात नहीं है, जितनी बड़ी रैंकिंग होगी उतनी अच्छी बात है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? अफगानिस्तान। इसमें टॉप किसने मारा है? अफगानिस्तान। आपको ये याद रखना है। जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? एक और चीज जो मैंने बहुत दिन से डिस्कस नहीं की है, प्रेस इंडेक्स। प्रेस इंडेक्स ये मैंने बहुत दिन से डिस्कस नहीं किया, आज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इंडिया की पोजीशन है 161। इंडेक्स के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। और एक और इंडेक्स में आज नया डिस्कस करना चाहूंगा, वर्ल्ड फूड इंडेक्स। वर्ल्ड फूड इंडेक्स नहीं, ये नेशनल
फूड इंडेक्स में भारत का कौन सा राज्य है जिसने टॉप मारा है? जम्मू एंड कश्मीर। अब इसका फूड इंडेक्स का मतलब क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में फूड सेफ्टी बहुत ज्यादा मेंटेन की जाती है, वहां हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन किया जाता है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे और वहां का खाना किसी भी होटल से खरीद के खाओगे तो वहां पॉसिबिलिटीज है 0.0.11111%, यानी आपको बहुत कम चांसेस है कि वहां पर आपको फूड पॉइजनिंग होगा किसी भी तरीके से। तो आपको याद रखना फूड इंडेक्स में टॉप किसने मारा है? जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा ये भी क्वार्टरली निकाला जाता है, अप डाउन होते रहता है फूड इंडेक्स में टॉप पर। और मेरे ख्याल से चेक करके ही बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल अंधाधुन चीजें वो नहीं करूंगा कि लास्ट बॉटम पे कौन सा है। फिर भी आपका आज एक काम करिए, होमवर्क कल मुझे लाके बताइएगा कि बॉटम पर कौन है फूड इंडेक्स में, सबसे पुअर परफॉर्मेंस किस स्टेट का था। आज की नेक्स्ट न्यूज है गोल्डन पिकॉक अवार्ड, लिखिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड, गोल्डन पिकॉक अवार्ड। गोल्डन पिकॉक अवार्ड रिसेंटली भारत की किस कंपनी को दिया गया है? तो आपको यह याद रखना है आरईसी, आरईसी कंपनी का नाम है और वो भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है। फिलहाल आप ये लिखते हुए चलेंगे आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो आपको ये याद। अब आरईसी भारत की कौन से नंबर महारत्न कंपनी है? 12th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मैं ये डिस्कस कर लेता हूं कि भारत में महारत्न कंपनीज क्या होता है। किसी भी कंपनी को भारत में तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक है मिनी रत्न कंपनी, नौ रत्न कंपनी और एक होता है महारत्न कंपनी। याद रखिएगा मिनी रत्न सबसे छोटी है, इंडिया में टोटल मिनी रत्न 74 कंपनीज है, नवरत्न 14 कंपनीज है और महारत्न 13 कंपनीज है। आपको फिलहाल ये याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ कितनी कितनी कंपनीज है, ये रिसेंट का डेटा है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा होगा, कोई भी नई कंपनी को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो ये नंबर ऊपर नीचे जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंसेप्ट की, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट क्या होता है चलो लाइन वाइज मैं बताते हुए चलता हूं। महारत्न कंपनीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसे कहा जाता है, ठीक है। महारत्न कंपनी भारत में उसे कहा जाता है जिसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ का होना चाहिए, 25,000 करोड़ का लास्ट 3 सालों में। दूसरा, उसका लास्ट 3 सालों में 15,000 करोड़ का नेट वर्थ होना चाहिए, नेट वर्थ होना चाहिए, ऊपर याद रखिएगा ये टर्नओवर का, ठीक है, ये भी लास्ट 3 इयर्स में ही होना चाहिए। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट कि उसका प्रॉफिट क्या होना चाहिए कंपनी का, 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का उसका प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स में। मैंने 3 कंडीशंस बता दी, मैं आपको अब ये डिस्कस करना चाहूंगा, यहां बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा 25,000 करोड़, 15,000 करोड़, 5,000 करोड़, अब तीन के तीनों पिछले 3 सालों में होने चाहिए। अब मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट इज टर्नओवर, व्हाट इज नेटवर्थ एंड व्हाट इज प्रॉफिट। सबसे पहले टर्नओवर क्या होता है, आपको कोई भी इंसान यहां आके बोले कि मेरे कंपनी का 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, इसका मतलब क्या होता है, वो उसका प्रॉफिट नहीं है, उसमें उसके पूरे एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है, उसके जितने भी खर्चे हो रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए, कुल मिला के उसने 1,000 करोड़ रुपए कमाया है। टर्नओवर का मतलब होता है फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है, ये रॉ प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा यहां नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ का मतलब मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट 1,000 करोड़ है, अब 1,000 करोड़ उसने कमाया लेकिन उसमें कुछ तो एक्सपेंसेस होंगे, उसका गोडाउन का कुछ तो लाइबिलिटीज होगी कि गोडाउन का खर्चा होगा, मान लेते हैं गोडाउन का किराया होगा 100 करोड़ पूरे साल भर का, और भी एक्सपेंसेस होंगे छोटे मोटे जिसको वो काटेगा, तो उसका नेटवर्थ क्या होता है, हमेशा टर्नओवर से कम होता है, तो उसका कुल मिला के काट पीट के मान लो पूरे खर्चे 600 करोड़ बच गया। अब बता देता हूं फाइनल प्रॉफिट क्या होता है, फाइनल प्रॉफिट ये होता है 1,000 करोड़ का उसका टर्नओवर था, उसके छोटे मोटे लाइबिलिटीज थी, छोटा मोटा किराया दे दे के उसके हाथ में कितना बचा 600 करोड़। अब इसके अलावा टैक्स भी तो कटेगा, उसने इतना ज्यादा कमाया है सरकार को टैक्स देगा, टैक्स वगैरह देने के बाद पूरे खर्चे खत्म करने के बाद जो उसके हाथ में बचेगा वो होगा उसका फाइनल प्रॉफिट। तो आपको कोई भी महारत्न कंपनी के मैंने आज 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, उसका एनुअल टर्नओवर क्या होना चाहिए 25,000 करोड़, उसका एनुअल नेटवर्थ क्या होना चाहिए 15,000 करोड़,
उसका एनुअल प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 5,000 करोड़, याद रखना, लेकिन पिछले 3 सालों का, तभी उस कंपनी को डिक्लेयर किया जाएगा महारत्न कंपनी। तो याद रखिएगा, कोई भी कंपनी अगर महारत्न कंपनी है तो छोटी मोटी कंपनी नहीं होगी। अभी हमने महारत्न कंपनी की बात की, याद रखना, रिसेंट में हमने एक और महारत्न कंपनी की न्यूज पढ़ी थी, एनटीपीसी, याद है? एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी अयोध्या को एस्टेब्लिश किया था, तो वो भी महारत्न कंपनी थी। एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, आपने नाम सुना है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आपने नाम सुना है गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, आपने भेल गेल, आपने नाम सुना है सेल, ये सारी कंपनीज क्या है? महारत्न कंपनीज है। एक और है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। तो याद रखिएगा, ये कुछ कंपनीज है जो महारत्न कंपनीज में आती है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। मैं लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम ये पक्का पूछूंगा कि कौन सी 4 से 5 एग्जाम्पल आपको महारत्न कंपनीज के बताने हैं। ये तो राइमिंग वर्ड्स है, भेल गेल सेल ONGC, अभी आपने पढ़ा REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब याद रखिएगा, ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी थी। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 13वीं महारत्न कंपनी का नाम बता दो, तो आपको बोलना है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भारत की सबसे लेटेस्ट महारत्न कंपनी है। चलिए अब हो जाता है, आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट न्यूज भी होगा। आज की तारीख क्या है? आज का, हालांकि 25th ऑफ अक्टूबर को कोई इंपॉर्टेंट डे तो नहीं है, बट फिर भी फन फैक्ट मैं बता रहा हूं, आपके एग्जाम से रिलेटेड ओरिएंटेड नहीं है, फिर भी फन फैक्ट। आप लोग खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा फूडी लोग होंगे यहाँ जिनको खाना खाना पसंद है, तो आज पास्ता डे है, वर्ल्ड पास्ता डे। फिलहाल ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ आपको एग्जाम में क्या पूछा गया। 24th ऑफ अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे। लेकिन आपको ये आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लास्ट टाइम क्या पूछा गया था? नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, भूलिएगा मत, ये 29 जून को मनाया जाता है। ये सब लोग लिखिए, ये आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है, ठीक है? और इस साल हमने जो डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, 5 अक्टूबर को क्या रहता है? डॉल्फिन डे। चलिए ठीक है, आज इतना मोर देन इनफ होगा। और 7 अक्टूबर को कॉटन डे। चलिए फाइनली यहां पर आज का आपका करंट अफेयर खत्म होता है। कंटेंट तैयार करने में हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।